The Kumar Chandra Salman and the best male leather singer, Bengal Dream. Thank you, sir. I would now request the Honorable Vice Chancellor to say he can equally portray even the most subtle features. On the candidates who have been certified to be worthy of these degrees, let the candidates stand forward. Celebrate our first convocation. We are very happy that 400 talent, extraordinary quality, to be self-aware. I do not have the courage to say that I am good because I shall be good. I am truthful because these three mantras will take. Purity, unselfishness. कोई शासकीय सेवा में जाएगा, कोई उद्योग व्यवसाय में जाएगा, शिक्षा या उपाधि प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। केवल कुछ लिखना, केवल कुछ पुस्तकें पढ़ लेना, या ज्ञान की कुछ विधाओं में विशेषता प्राप्त कर लेना यह शिक्षा का अंत नहीं है। हम तो जीवन में प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं, और इसलिए सफल जीवन के लिए हमें समन्वय करना पड़ता है विश्वविद्यालय में प्राप्त शिक्षा और व्यवहारिक जीवन में अनुभव से प्राप्त शिक्षा। जब इन दोनों का समन्वय करके हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है हमें पूर्ण मानव के रूप में कार्य कर रहे हैं। वह एक दूसरा उद्देश्य यह भी होता है कि वह छात्र छात्राओं के मन में मानवीय गुणों का भी विकास करें। हमने बहुत बड़ी उपाधि ले ली, पीएचडी हो गए, डीडीट हो गए और भी उससे बड़ी उपाधि ले ली, लेकिन मन में अगर दया का भाव नहीं है, मन में अगर करुणा का भाव शिक्षा ने नहीं पैदा किया, मन में अगर परोपकार की भावना जागृत नहीं की, मन में देश समाज और राष्ट्र के लिए कुछ करने का संकल्प नहीं पैदा किया, तो ऐसी शिक्षा निरर्थक हो जाती है। इसलिए शिक्षा का सार्थक स्वरूप वही है जो व्यक्ति के अंदर मानवीय गुणों का विकास करे और राष्ट्र के प्रति समर्पित होने के भाव को भी जागृत करे।